नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सेन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया, हाउ टू इम्पोर्ट गोल्ड फ्रॉम हांगकांग। अगर हांगकांग से आप गोल्ड इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल जाता है, इम्पोर्ट ड्यूटी कितने देनी पड़ती है, डीजीएफटी ने किस किस कंपनीज को ऑथराइज किया है, टॉप सप्लायर कंट्रीज कौन कौन सी, एचएस कोड क्या है, इसका क्वालिटी क्या है, इसका आरसीएमसी क्या लगेगा, आरसीएमसी का क्या चार्जेस रहेगा, ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या लग जाती है, टॉप कंपिटेटर कंट्रीज कौन कौन सी जिसके साथ मेंबर प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन रहेगा। तो बेसिकली सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए, छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो अच्छा खासा यहां पे आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। अगर इंडिया में आप गोल्ड का रेट अभी का करंट का जो प्राइस देखेंगे, 24 कैरेट का जो प्योर गोल्ड का जो रेट है वो 52,285 रुपीस पर 10 ग्राम है। और अगर ये वही 24 कैरेट गोल्ड का रेट अगर आप हांगकांग में देखते हैं तो बेसिकली 43,000 इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, 43,759 रुपीस पर 10 ग्राम है। तोला नहीं, तोला मीन्स 1 तोला इज इक्वल टू 11.66 ग्राम। सो बेसिकली कई बार हम नॉर्मली व्यवहारिक भाषा में बोल देते हैं कि 1 तोला सोना लेके आ रहा हूँ, 2 तोला सोना लेके आ रहा हूँ, तो 1 तोला इज इक्वल टू 11.66 ग्राम टेक्निकली। अगर नॉर्मली हम बेसिकली उसको बोल देते हैं कि 1 तोला इज इक्वल टू 10 ग्राम, तो 10 ग्राम नहीं है, ये 10 ग्राम का मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करें, क्योंकि जब हम इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट ड्यूटी भी तो पे करना पड़ेगा। यस, इम्पोर्ट ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा। कितना इम्पोर्ट ड्यूटी आपको लग जाता है? 12.5% का इंपोर्ट ड्यूटी अभी गोल्ड पे चल रहा है। नॉर्मली जो पहले 7.5% था, तो बेसिकली 7.5% से गवर्नमेंट ने 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी कर दिया, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा कम हुआ है। 7.5 से 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी कर दिया, इसलिए गोल्ड की स्मगलिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। पहले 20% तक जितना भी गोल्ड हिंदुस्तान में आता था, 800 मीट्रिक टन की बात हो रही है, टन की बात हो रही है, केजी की भी नहीं, टन की बात हो रही है। 800 मीट्रिक टन गोल्ड पर ईयर हिंदुस्तान में आता था, जिसमें से 200 यानी 20% के आसपास गोल्ड स्मगलिंग से आता था, यानी विदाउट पेइंग इंपोर्ट ड्यूटी, इधर उधर से कहीं कहीं से छुपा छुपा के लोग लाते थे। किस तरीके से लाते, वो एक सेपरेट अलग टॉपिक है। बेसिकली कैसे गोल्ड की स्मगलिंग में लोग क्या क्या हथियार अपनाते हैं, क्या क्या मतलब ट्रिक्स अपनाते हैं बेसिकली। तो 20% से वो बढ़ के वो परसेंटेज 35% हो गया, यानी गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है, तो लोग और अल्टरनेट तरीके ढूंढ रहे हैं, यानी जो स्मगलिंग कर रहे हैं उनको और मोटिवेट किया जा रहा है, उनको और बेनिफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन उनका बढ़ता है कि तो इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। तो लीगली जो है गोल्ड महंगा हो रहा है, लेकिन जो इलीगली लोग ला रहे हैं वो सस्ता हो रहा है, तो उनकी दुकान ज्यादा चल रही है। तो बेसिकली वो 20% से लेकर 35% तक स्मगलिंग हिंदुस्तान में अभी गोल्ड का होने लगा है। अगर मैं बात करूं कि 12.5% जीएसटी की बात कितना हो जाता है, हमने प्राइस हांगकांग का कितना देखा था, 43,759 रुपीस पर 10 ग्राम, उसमें अगर 12.5% का इंपोर्ट ड्यूटी हमें देना पड़ेगा तो वो हो जाता है 5,469.87 रुपीस। और अगर 3% का जीएसटी देना पड़ता है, 3% का जीएसटी कितना हो जाता है, 43,759 का 3% जीएसटी हो जाता है 1,312.77 इंडियन रुपीस। अगर मैं बात करूं ये टोटल इंपोर्ट ड्यूटी और टोटल जीएसटी का वैल्यू कितना हो जाता है, वो हो जाता है 5,469.87 प्लस 1,312.77 रुपीस, तो ये हो जाता है 6,782.64 इंडियन रुपीस। अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो टोटल हो जाके हो कितना जाता है, यानी जो हमने खरीदा था वो 43,759 रुपीस में खरीदा था, और अभी ये ड्यूटी और जीएसटी लगाने के बाद 50,541 रुपीस का हो गया, 50,542 रुपीस का हो गया। और इंडिया में प्राइस क्या चल रहा है, जो मिनिमम प्राइस चल रहा है वो 52,285 रुपीस का चल रहा है। अगर इसका डिफरेंस देखें तो 1,743 रुपीस का रहता है ये पर 10 ग्राम, और पर केजी की बात करें तो 1,74,336 इंडियन रुपीस का हमें पर केजी इसका बेनिफिट होता है। इतना बेनिफिट तो आप इसका 100% बुक कर ही सकते हैं। अगर मैं बात करूं
DGFT ने कौन कौन सी कंपनीज को ऑथराइज किया, तो उससे पहले मैं बता दूं, जो हमारा ट्रेनिंग होता है बेसिकली ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन दिल्ली में शेड्यूल किया गया 27, 28, 29 अक्टूबर में इसी मंथ में, और ऑनलाइन अभी अक्टूबर मंथ वाला चल रहा है 12 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर। नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल किया 12 नवंबर टू 19 नवंबर, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन में सेम सिखाया जाता है। उसमें सिखाया जाता है कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन का आप कैसे इंक्रीज करते हैं, सोर्सिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, शिपिंग लाइन से कैसे डिस्कशन करते हैं, कैसे निगोशिएट करते हैं, CHA से कैसे निगोशिएट करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट आता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या लाइसेंसेस आपको लगते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है बेसिकली। तो DGFT की अगर बात करें तो DGFT मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने किस किस कंपनीज को ऑथराइज किया लीगली गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान में। सो बेसिकली उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है MMTC यानी मिनरल मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड आता है STG यानी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। थर्ड आता है PEC यानी प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फोर्थ आता है स्टार ट्रेडिंग हाउस, बेसिकली स्टार्ट DIL की अगर मैं बात करूं, DIL डायमंड इंडिया लिमिटेड, GJAPC मतलब जेम्सन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल APC भी है। स्टार ट्रेडिंग हाउस, तो स्टार ट्रेडिंग हाउस भी ऐसा नहीं कि गेहूं का स्टार ट्रेडिंग हाउस या फिर चावल का स्टार ट्रेडिंग हाउस, नहीं, स्टार ट्रेडिंग हाउस ओनली फॉर दी GJAPC यानी जेम्सन ज्वेलरी का स्टार ट्रेडिंग हाउस, यानी गोल्ड वाला ही व्यापार करने वाला वो कंपनी जो कि गोल्ड का ही व्यापार करता है और उसको स्टार ट्रेडिंग हाउस का डेजिग्नेशन मिला हुआ है, तो वो कर सकता है। ऐसे टोटल टेन कंपनीज है जिनको DGFT ने ऑथराइज किया। आपका IC वहां पर वैलिड नहीं रहता है। अगर मैं बात करूं टॉप सप्लाइंग कंट्री यानी कहां कहां से हम गोल्ड खरीद सकते हैं, तो बेसिकली उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में गोल्ड माइन है, बहुत ज्यादा गोल्ड स्विट्जरलैंड से हम खरीदते भी हैं लीगली। सो स्विट्जरलैंड कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, स्विट्जरलैंड हमें इंपोर्ट कर रहा है बेसिकली। स्विट्जरलैंड टोटल कितना एक्सपोर्ट करता है, टोटल स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट करता है $86.88 बिलियन, दैट इज अराउंड 22% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द गोल्ड। अगर मैं UK की बात करूं, यूनाइटेड किंगडम, तो UK $41.4 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 10.5% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गोल्ड। हांगकांग नंबर 3 पे आता है, हांगकांग $30.8 बिलियन का आता है। हांगकांग में भी माइंस रहती है गोल्ड की, तो हांगकांग $30.8 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, दैट इज अराउंड 7.8% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड। अगर UAE की बात करो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई, तो UAE $28.7 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 7.3% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड। अगर USA की बात करो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो मिस्टर राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो USA $27.7 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है गोल्ड का, दैट इज अराउंड 7.0% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गोल्ड। अगर मैं HS कोड की बात करूं, तो ये 71 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 08 होता है, तो इसका HS कोड बन जाता है 71 यानी 71 7108 1200। आप इसको इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं कि गोल्ड में कौन सा क्वालिटी लगता है बेसिकली, तो गोल्ड में 24 कैरेट का गोल्ड जो रहता है उसका प्योरिटी 99.99% माना जाता है और होता भी, उसका सर्टिफिकेट भी होता है बेसिकली। अगर मैं EPC की बात करूं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर इसमें EPC तो GJAPC लगेगा, यानी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसका आप RCMC ले सकते हैं। कितने में RCMC आपको मिलेगा, RCMC की अगर कॉस्ट की बात करें तो वो डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पे। अगर आप मिनिमम छोटे लेवल से आप चालू करें, आपका टर्नओवर है लेस देन 25 लाख, अगर 25 लाख से पर ईयर आपका टर्नओवर कम है, तो 12,980 रुपीज में आपको इसका RCMC मिल जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक का, यानी 25 लाख टू 1 करोड़ रुपीज, सो बेसिकली उसमें 17,700 रुपीज का आपको RCMC मिल जाएगा GJAPC का। अगर 5 करोड़ से 15 करोड़ तक है, तो 41,300 रुपीज आपके लगेंगे RCMC में। अगर आपका 15 करोड़ से 30 करोड़ का टर्नओवर है एनुअल, तो 53,100 रुपीज आपको लग जाता है। और ऐसे करके अगर आपका टर्नओवर बढ़ता जाते हैं, तो लास्ट 2,49,000 का आपका RCMC लगता है, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। लेकिन हम एक मिनिमम स्टार्टिंग की बात ले लेते हैं कि हमारा अगर एनुअल टर्नओवर 25 लाख ही है, लेस देन 25 लाख है, तो हमें 12,980 रुपीज लगेगा RCMC रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेने का GJAPC का, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। अगर मैं टॉप कंपिटेटर कंट्रीज की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी कंट्रीज जिसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका एक्सपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करता है, तो स्विट्जरलैंड $92.3 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 23.4% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड।
हिंदुस्तान की बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। सो बेसिकली इंडिया कितना इंपोर्ट करा, इंडिया 55.8 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करा, दैट इज अराउंड 14.1% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम 53.7 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करा, दैट इज अराउंड 13.5% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड। अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है, तो चाइना 43.7 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 11.1% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हांगकांग की बात करें तो हांगकांग 24.1 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करा, हांगकांग इंपोर्ट भी करता है एक्सपोर्ट भी करता है, दैट इज अराउंड 7.4% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गोल्ड। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि गोल्ड का व्यापार करना चाहता है या जो गोल्ड का व्यापार कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है, या जॉब कर रहा है डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।